नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती दीदी की रेसिपी में। देखो बारिश हो रही, तो बारिश के मौसम में पकौड़े खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा चटपटा सा नाश्ता लेके आई जो आपका दिल खुश कर देगा। तो मैं बनाऊंगी आज पनीर बॉल्स यानी पनीर के पकौड़े। तो रेसिपी स्टार्ट कर ले, चलो। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ पनीर के बॉल्स। तो ये पनीर मैंने घर पे जमाए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, पनीर को कैसे जमाते, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मैं इसकी रेसिपी जरूर ही डालूंगी अपने चैनल पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये पनीर को हाथों से फोड़ लेती हूँ। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये फोड़ा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है पकौड़ों के लिए। तो ऐसे पनीर को यहाँ पे सब फोड़ लेते हैं। ये पनीर मैंने घर पे जमाया था, आप चाहो मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने पनीर को मेहिन फोड़ लिया है और देख लेते हैं यहाँ पे सब्जी क्या डालने वाली हूँ मैं। ये मैं यहाँ पे डालने वाली पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, अदरक, कुटी हुई मिर्ची। और मैंने कटी हुई मिर्ची नहीं डाला, आप चाहो तो कटी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुटी हुई डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, चिल्लाते हैं मम्मी। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लहसुन, टमाटर, प्याज, धनिया। तो फटाफट सभी चीजों को यहाँ पे डाल देते हैं, सभी सब्जियों को। तो ये कितना कलरफुल लग रहा है, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ये शाम के नाश्ते में, और पढ़ते समय उन्हें कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है उन लोगों को। तो ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है और साथ ही साथ उन्हें घर का न्यूट्रिशन। मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ। आप चाहो तो चावल का आटा भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। साथ ही साथ मैं 1 चम्मच इसमें चावल का आटा भी डाल रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है चावल का आटा इसमें बनने के बाद। ये चावल का आटे से ना बहुत क्रिस्पी बनता है, क्रंची बनता है। और मैं आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ कूटी हुई। और यहीं पे साथ साथ मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, ये बस कलर के लिए, ये तीखी नहीं होती है। आधा छोटा चम्मच मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है गरम मसाले से। और यहीं पे मैं नमक डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लें अच्छे से। इसके हमें बनाने हैं बॉल्स। तो ये बॉल्स बच्चों को बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स, मैंने देखिए इसे ऐसे ही साना, ऐसे ही गुथा है। याद रखें कि इसमें पानी नहीं डालना है, इसे ऐसे ही इसके अब हम बॉल्स बना लेते। इसके सारा बॉल्स बना लेना है। यहाँ पे देखिए हम बॉल्स बना रहे हैं। बॉल्स बनाने के लिए ये मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कंपनी दे रही, तो ये फटाफट तैयार हो जाता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि पूरा खत्म ही नहीं हो रहा है। तो देखिए हम लोग इतना बना लिए हैं। अब मैं सारे बॉल्स को एक कढ़ाई में डिप कर रही हूँ और इसे फ्राई कर ले रही हूँ। कढ़ाई मैंने हाई फ्लेम पे रखा है, तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी बॉल्स को फ्राई कर ले रही हूँ। डिप करने के बाद फ्रेंड्स इसे लो फ्लेम पे पकाना है। तो फ्रेंड्स, नहीं तो ये पनीर जलने लगेगा और अंदर से कच्चे ऊपर से पक जाएगा। फ्रेंड्स, ये बॉल्स देखो एकदम रेडी हो चुके हैं, तो मैं निकाल ले रही हूँ और ऐसे ही करके मैं बाकी के भी बॉल्स फ्राई कर लूंगी। ऐसे ही करके बाकी के भी बॉल्स को फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये सारे पकौड़ो यानी पनीर बॉल्स मेरे रेडी हो चुके हैं, तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इन पकौड़ो को मैं हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करूंगी। तो आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये रेसिपी अपने बच्चों को और बड़ों को सबको खिलाएं, ये बारिश के मौसम में सबका मन। तो रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन